हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आज की वीडियो में मेरे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर है जिनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिनके एक्सपीरियंस से हम यहां पे कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मिस्टर नवीद को। नवीद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? बस ठीक ठाक। आप मुझे बताएं कि आप एक्चुअल में कहां से, हम थोड़ा इंटरव्यू को शुरू करते हैं, आप मुझे बताइए ये कि आप कहां से हैं एक्चुअल में और आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है यूएई का? जी, मैं पाकिस्तान से हूँ, सेल से हूँ और मुझे तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है यूएई का एज ए सिविल इंजीनियर। तो किस किस फील्ड में आपने आज तक काम किया है सिविल इंजीनियरिंग में? देखें, मैंने सिविल साइट इंजीनियर जो मेरा बेसिक रहा है, हमेशा मैं इसी पे रहा हूँ। और बाकी मैं साइट अगर मैंने छोटी कंपनियों में काम किया तो प्रोक्योरमेंट हो गया, QA QC हो गया, तो वो भी साथ में किया है। मतलब आपने ओवरऑल सिविल की पूरी फील्ड को देखा है कहीं ना कहीं। जी। तो मुझे आप ये बताइए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की है उसके बारे में, और अगर कुछ कोर्सेज आपने किए हैं उसके साथ उनके बारे में भी थोड़ा। जी, मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की है अपनी सिंध से ही की है, मेहरान यूनिवर्सिटी से। मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध रिनॉन्ड है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। उसके अलावा ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग मैंने ऑटोकैड किया, प्राइमावेरा किया, डिफरेंट कोर्सेज किए। तो इन कोर्सेज से आपको कुछ मदद हुई यहाँ पे जॉब मिलने में? ऑब्वियसली आपको ऑटोकैड आना चाहिए हर चीज के लिए, ऑटोकैड बेसिक है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो आपको किसी भी सूरत में ऑटोकैड आना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और नवीद भाई, आपने कितनी कंपनियों में अभी तक काम किया है इन 6 सालों में जो आप यूएई में रहे हो? मैंने 3 कंपनियों में काम किया है डिफरेंट पोजिशन पे। स्टार्ट में सिविल साइट इंजीनियर किया था तो, और अब जी हाँ अब बताइए आप कंटिन्यू। अभी QA QC कर रहे हैं और बीच में प्रोजेक्ट इंजीनियर टाइप में भी रोल में आ गए थे, तो डिफरेंट लेवल पे जॉब्स की। अब मुझे ये बताइए कि कैसा रहा आपका सफर फ्रॉम स्टार्टिंग टू अब तक, कैसा पहले कैसी जॉब मिल रही थी आपको जब आपके पास कम एक्सपीरियंस था, और किस तरह का जॉब का माहौल था आपके लिए, और अभी जब आपके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो अब किस तरह की जॉब आपके पास है? देखिए, मैं लकी रहा, गोल्डन स्पून कहते हैं ना, वो था। उसकी वजह ये रही कि मेरे अंकल की कंपनी थी तो इजी एक्सेस था, पता था डिग्री की, आ गए सीधा इधर और सिविल साइट इंजीनियर में लग गए। उन्हीं की कंपनी में लग गए तो ये एक इजी एक्सेस था। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ लिंक पे नहीं होता है। अगर किसी में एबिलिटी है और करना चाहता है, ट्राई करेगा तो मिल जाएगी, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। सबके लिए मोस्टली। नवीद भाई, मेरे पास पाकिस्तान के बहुत सारे इंजीनियर्स के मैसेज आते हैं, मोस्टली आपके सिंध साइड से कुछ लोग हैं और कुछ पेशावर साइड के लोग हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि कोई पाकिस्तान का भाई हमारा इंजीनियर है तो उसका इंटरव्यू करें ताकि हमको भी अंदाजा लगे, क्योंकि इंडियन कैरिकुलम थोड़ा बहुत पाकिस्तान के कैरिकुलम से डिफरेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको एक ही जैसा यहाँ पे ट्रीट किया जाता, वो चीज नहीं है। तो आप ये बताइए कि क्या क्या चीजें उनको वहां पे करनी चाहिए और किन 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 जगहों पे वहां पे कोर्सेज अच्छे से मिलते हैं जहां से वो कर सकते हैं? सर जी, डिपेंड करता है आप किस लेवल पे आप जो है ना वो दुबई आना चाहते हैं। आप डिग्री करके डायरेक्ट इधर आना चाह रहे हैं, या 5-6 साल का अपने पास पाकिस्तान इंडिया से एक्सपीरियंस लेके फिर आ रहे हैं। अगर 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, मेरे काफी दोस्त हैं बिम करके आए हैं, बिम स्पेशलिस्ट थे या रोड के स्पेशलिस्ट थे, तो वो डायरेक्ट आए इधर 15,000-12,000 की जॉब आके डायरेक्ट किए। और कोई ये सिर्फ डिग्री करके आ रहा है तो उन्होंने सिर्फ पहले रफ स्टार्ट मिलता है, मेहनत करना पड़ती है, लेकिन जॉब उनको भी मिल जाते हैं। और इजी नहीं होता है, लेकिन ट्राई करना चाहिए। और सब प्लेटफॉर्म खुले हुए, लिंक्डइन, इंडीड, और न्यू कमर्स के लिए ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इधर बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो ज्यादा सैलरीज अफोर्ड नहीं कर सकती, तो न्यू कमर्स के लिए डोर ओपन है, उन कंपनीज में डोर ओपन है। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि विजिट वीजा पे सीधा आना चाहिए या अपने मुल्क से ही जॉब अप्लाई करनी चाहिए, क्या सबसे बेस्ट रहेगा एक इंजीनियर? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आप लो बजट पे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप विजिट वीजा लेके आ जाएं, अपस जाएंगे बुरी हालत में। पाकिस्तान से या इंडिया से आप पहले देखें लिंक्डइन पे, इंडीड में कितनी जॉब्स हैं, ट्राई करते रहें, मैसेज करते रहें, प्राइवेट इनडायरेक्ट मैसेज वो होता है लिंक्डइन पे करें, कहीं से रिप्लाई आता है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी है, तो फिर जो है ना आप आने का रिस्क लें। और काफी लोगों को पाकिस्तान इंडिया से बैठे हुए जॉब्स मिल जाती हैं, तो वो वेल एंड गुड है। अगर आप न्यू कमर हैं
और आप वेल एक्सपीरियंस हो तो आपको पाकिस्तान इंडिया से भी इजीली जॉब मिल जाती है जो आपका पोर्टफोलियो हो। तो ये बहुत अच्छी। हाँ नवीद भाई, जैसे आपने ये बात की, मुझे भी लगता है, मैंने बहुत सारे लड़के ऐसे देखे जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ आ गए हैं क्योंकि बहुत ही बल्क अमाउंट में लोग आ रहे हैं और उस टाइम पे वो यहाँ पे फंस जा रहे हैं और वो गरीब घरों से आते हैं। फिर मेरे पास कुछ मैसेज आते हैं उनके, सर मेरे पास पैसे भी नहीं है, अब घर जाऊंगा तो इंसल्ट हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप अगर अपने मुल्क से अप्लाई करना शुरू करोगे तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप यूएई में आ गए तो आप सिर्फ यूएई में जॉब के लिए अप्लाई करोगे और यहीं पे ढूंढोगे, बट अगर आप अपने मुल्क में, आपके पास 6-7 गल्फ की कंट्रीज है, आप हर एक कंट्री में अप्लाई कर सकते हो वहां से और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगी। बट अगर आप वेल एंड गुड अर्निंग है, आपके पास घर में अच्छी वो मनी से आते हो, सिंपल सी बात है, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं क्योंकि क्या पता कभी आपको 3-4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट था यहाँ पे। अब नवीद भाई आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगता है दुबई में जॉब करना, एज ए पर्सन, पर्सनल क्वेश्चन है आपके। दुबई में अमेजिंग है, दुबई इज अमेजिंग, यू वांट टू लिव हियर बिकॉज आपको पीस मिलता है, पीस ऑफ माइंड जो अपने कंट्रीज में नहीं है। अपने कंट्रीज क्या, अमेरिका चले जाए, यूके चले जाए, आपको नहीं मिलेगा। वेदर वेरी नाइस, पीस, आपको मनी, हर चीज मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। तो इधर काम करने का बहुत फायदा है और डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशन है, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो अलग ही एक्सपीरियंस है। तो दुबई इज गुड टू वर्क, वर्क एटमोसफेयर भी यहाँ पे अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी पॉलिटिकल्स नहीं रहती जितनी अपने मुल्कों में रहते हैं, उधर का कल्चर अलग होता है, इधर वेरी प्रोफेशनल, थोरली प्रोफेशनल लोग हैं, तो इट्स गुड टू वर्क हियर। तो वर्क आप सजेस्ट करोगे कि कोई भी अगर यहाँ पे आना चाहे तो बेस्ट प्लेस है आपको वर्क के हिसाब से भी एक्सप्लोर करने में। और आप पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे बताइए, पर्सनली क्या, किस तरह के एंजॉयमेंट्स वगैरह आप करते हो जब वीकेंड्स होते हैं उनके बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है ना उनके माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि दुबई जाना है, दुबई बहुत खूबसूरत है, तो उसके बारे में भी उनको थोड़ा सा अगर जानकारी मिले तो बहुत अच्छी बात। अगर ये माइंड में है कि दुबई खूबसूरत, तो बिल्कुल खूबसूरत है, आपको वीकेंड मिलते हैं, 2 दिन भी कम लगेंगे अगर आपको डेली घूमना है, जाना है बाहर। डिफरेंट फूड है, डिफरेंट आपको अरबिक फूड मिलेगा, यूरोपियन फूड मिलेगा, एशियन फूड मिलेगा, डिफरेंट ग्रीन भी मिलेगा आपको, एनवायरनमेंट ठंडा भी आपको मिलेगा, जब लेजेस चले जाएं या खुरफकान चले जाएं, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप काम भी करें, घूमें फिरें भी, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना, एक ये कर सकते, बैलेंस है लाइफ का और सिक्योरिटी है सबसे बड़ी, तो कोई टेंशन नहीं है, आए अपना काम करें, पैसे का आपका कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई छीन नहीं लेगा, आप जॉब करें उसके बाद बिजनेस भी करें अपना, वो भी आपका सिक्योर रहेगा, तो इट्स वेरी नाइस स्मूथ। और इन्फ्लुएंसर, कुछ लोग आजकल इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं जॉब के साथ साथ, क्योंकि दुबई एक शो ऑफ का शहर आप कह सकते हो, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर अगर आप बनते हो ना तो आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो आप एक ही चीज लेके ना चले कि मैंने जॉब ही करनी है, एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते हैं। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे जो यहाँ जॉब करने आए थे, अब वो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, तो वो भी आप बाद में जाके कर सकते हैं अगर आपका माइंड उस तरह का है। तो नवीद भाई आप मुझे ये बताइए, आप क्या सजेस्ट करोगे लोगों को जो भी पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के, क्योंकि आपको मैंने इसीलिए इन्वाइट किया कि कुछ लोग मेरे दोस्त पाकिस्तानी हैं, उनको वो एक डर अपना रहता है, जैसे अगर मैं पाकिस्तानियों का ही इंटरव्यू करता रहूंगा तो इंडियंस को रहेगा कि क्या पता वहां पाकिस्तानियों को ही मिल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको लाया तो मल्टी कल्चरल हो जाए। वैसे कल्चर हमारे डिफरेंट नहीं है, 99% सेम ही है, फिर भी आप थोड़ा सजेस्ट करें उनके लिए क्या रहेगा ताकि वो इस वीडियो से कुछ फायदा उठा सके। दुबई ओपन फॉर ऑल, यू आर पाकिस्तानी, इंडियन, यू आर मुस्लिम, यू आर हिंदू, नो मैटर, इट्स ओपन फॉर ऑल। आप में स्किल होने चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट हो, आपको काम करने का दिल होना चाहिए, आप इधर आ जाएंगे, आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है, लाइफ को आप एंजॉय करेंगे, नवीद भाई की ये बात है। नवीद भाई लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कौन से जो प्लेटफॉर्म्स है जहां पे अप्लाई करना चाहिए। एक और चीज, कुछ लोग यहाँ आके डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आप मुझे इसमें बताएं कि 2 या 3 ऐसी जगह हैं जहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए, और इस सवाल का जवाब दीजिए कि जाना चाहिए डोर टू डोर कि नहीं जाना चाहिए। डोर टू डोर नहीं जाना चाहिए, अभी टोटल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू जाना चाहिए, प्लस जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं उसमें नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा ब्लंडर करते हैं,
पैसे लेते हैं और जॉब्स नहीं देते, तो उससे अवॉइड करें। लिंक्डइन देखें, इंडीड देखें, गल्फ टैलेंट देखें, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं आपको मिल जाएंगी। आप गूगल पे रिसर्च करें, टॉप 100 कंस्ट्रक्शन कंपनी निकालें, उनके ईमेल फॉरवर्ड करें सीवी, इंशाल्लाह यूल दीजिए। ओके नवीद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वीडियो में आए। आपके साथ भी क्या पता कभी और भी मौका मिले आपसे वीडियो बनाने का, क्योंकि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ फिर से मिलने की। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू द वीडियो। तो गाइस, ये थे हमारे नवीद भाई। आगे हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ, सिविल इंजीनियर ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैकेनिकल के भी मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, सेफ्टी के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कोशिश करूंगा मैं ऐसे कुछ लोगों से मिलने की, उनके साथ वीडियो बनाने की। आप चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।